भोजपुरी फिल्मों में अपने चुलबुले अंदाज से लोगों का मनोरंजन करने वाले निरहुआ को आपने गायकी के अंदाज में तो देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि जिस मेगा स्टार की एक झलक पाने के लिए दर्शक बेताब हो जाते हैं, उस मेगा स्टार को करियर की शुरुआत में बहुत कम फिल्में मिलती थी। हम जानते हैं कि आप यही सोच रहे होंगे कि जिनकी गायकी का जादू तो भोजपुरी जगत में चलता है, जिन्हें दर्शक इतना प्यार करते हैं, उन्हें कभी कम फिल्में मिलती थी। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान निरहुआ ने कहा कि वो एक साल में 6-7 फिल्में ही किया करते थे, तो शायद आपको यह सुनकर कुछ अजीब लगे, लेकिन ये बात सच है। उन्होंने बताया कि पहले वो कम फिल्में ही कर पाते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भोजपुरी जगत में पहले फिल्म की शूटिंग 6 दिन या फिर 5 दिन इस तरह से की जाती थी, जो निरहुआ को पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर से भी बात की और कहा कि वो उनके साथ 1 महीने तक रहेंगे और फिल्म में काम करेंगे। जब उनकी इस बात को प्रोड्यूसर ने मान ली तो उन्हें फिल्मों से फायदा होने लगा और निरहुआ भी ज़्यादा फिल्में करने लगे। फिलहाल निरहुआ अब 1 साल के अंदर 6-7 फिल्में नहीं बल्कि इससे ज़्यादा फिल्में करते हैं। आपको बता दें कि निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के जाने माने चेहरों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।